पंद्रह से बात ठीक है ना, वो रहा 15 से 10, मैं उधर जाऊंगा, बस 10 मिनट के अंदर मैं उधर जाऊंगा, उधर से ही लूंगा ठीक है ना। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चित्तरंजन। सो फ्रेंड, आज मैं निकल गया चित्तरंजन के लिए क्योंकि बहुत सारा प्लेस बाकी था कवर करने के लिए, तो पता नहीं कितना कवर कर पाऊंगा, लेकिन जितना भी हो सके तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये रोड का हाल देख रहे हो, अभी ये रोड का हाल देखो, इतना खराब रोड, बाप रे बाप, रोड का हाल देख रहे हो। ये है इसका रोड का हाल। तो फ्रेंड, मैं अभी जा रहा हूं चित्तरंजन। सो चित्तरंजन में कुछ कुछ प्लेस अभी कवर करना बाकी है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सर बोल रहे कि इधर कुछ फोटो खींच सकते, फोटो वीडियो अलाउ नहीं है ना सर, कुछ अलाउ नहीं है ना। ओहो पकड़ लेगा ना। ओहो तो फ्रेंड मैं अभी दिखाऊंगा कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल, जो CLW का, जो रेलवे का जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर काफी सालों बाद मैं आ रहा हूँ ठीक है ना, तो बहुत कुछ चेंजेस हुआ इधर। ये अपायन, ये है अपायन, बहुत पुराना दुकान था, मतलब मैं जब स्टडी कर रहा था तब। और ये रहा हॉस्पिटल, ये रहा KG हॉस्पिटल, यहाँ से हॉस्पिटल स्टार्ट होता है। चलिए मैं अंदर से आपको थोड़ा कुछ दिखा दूंगा। तो यहाँ से अब देखो, ये है इसका OPD। ये है OPD, KG हॉस्पिटल का OPD है ये। ये है एंट्रेंस कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल का, ये एंट्रेंस है इधर। मैं इधर रोक नहीं सकता, प्रॉब्लम हो सकता है। और ये कांगोई भवन, ये है कांगोई भवन। मैं बाहर से देखा रहा हूँ, मैं आपको अंदर नहीं लेके जा रहा हूँ, बाहर से देख लीजिए थोड़ा। जा रहा हूं अभी बोटिंग क्लब, ये है बोटिंग क्लब। हालत मतलब पूरा भर गया, सब था मतलब पूरा भर गया। ये है बोटिंग क्लब, ये पूरा भर गया, इसको साफ करना पड़ता है, वरना तो पता ही है क्या होता है कि नहीं होता है। ये रहा बोटिंग क्लब, लेकिन अभी गेट बंद है ठीक है ना। उधर एक छोटा गेट है सर, लेकिन वो भी सब कुछ बंद है इधर, अब इस टाइम में सब कुछ बंद है। ओ गेट खुला है, गेट अगर खुला है तो ठीक है भाई, हम भी थोड़ा घुस जाते, थोड़ा दिखा देते आप लोगों को। तो ये रहा मेरा बोटिंग क्लब, मेरा नहीं सॉरी, चित्तरंजन का बोटिंग क्लब ठीक है। So, इसका नजारा कुछ ऐसा दिखता है दूर से, इसका नजारा कुछ दूर से ऐसा दिखता है। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा अंदर लेके जाता हूँ ठीक है ना, फिर मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाता हूँ। ये
बोटिंग क्लब है। मैं जब छोटा था तब मैं इधर आया था। दस रुपये एंट्री फीस? कब से हो गया? मतलब जो जो खुश है सबके लिए 10 रुपये हर टाइम लेते हो क्या? अच्छा अच्छा दस रुपये में कितना टाइम? 12:30 बजे तक। ठीक है, तो ये देखो भाई, ये एंट्री फीस है। पहले नहीं था, अभी चालू हो रहा है। ये देखो एंट्री फीस है। ये जब मैं छोटा था ना तब मैं इधर आया था, लेकिन अभी बहुत कुछ चेंज हुआ है इधर, बहुत कुछ इधर चेंज हुआ है। इतना चेंजेस पहले नहीं था। ओहो पूरा भर गया, ये तो पूरा भर गया, पूरा भर गया इधर, मतलब पूरा भर गया। बोट क्लब अब हलो जो, ये देखो भाई इसका हाल देखो, पूरा भर गया ये, मतलब अंदर तक भर गया पूरा। ए एकलो पुलिस का कौन है ना, एकला पुलिस का चलो ना। देखो इसका हाल देखो पहले भाई, इसका हाल देख रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि 10 साल हो गया, 15 साल हो गया इसको कोई साफ नहीं किया, क्योंकि अच्छा जगह है। यहां से कुछ ऐसा दिखता है, मैं कुछ कट नहीं कर रहा हूं, रॉ फुटेज एकदम। मतलब ओह सॉरी, ये खुला था नॉर्मल, ये बंद रहता, मतलब टाइम चेंज हो गया ना, टाइम चेंज हो गया बहुत। बस ये बच्चे का, मतलब बच्चे लोग की झूला झूलने के लिए, खेल कूद, ये सब पहले ही नहीं था। मैं 5 साल की पहले बात करो, हाल ही में ये सब हुआ है। ये अगर रात में आऊंगा तो इधर लाइट वगैरह जलता है, रात में इधर लाइट वगैरह सब कुछ जलता है। काफी अच्छा जगह है ये, मतलब बहुत डेवलपमेंट हुआ है जगह। तो फ्रेंड ये था आज का इधर टूर, ठीक है ना, टूर इधर ही खत्म होता है। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये रहा लोको पार्क जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, ये है लोको पार्क जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, ठीक है ना। रोक नहीं सकता क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा बस है, ट्रैफिक है, पीछे वाला वीडियो में देख लेना। और ये है जीएम ऑफिस, इधर है जीएम ऑफिस, इधर हम लोग आसनसोल में नहीं है। अब देख लो कितना मस्त होता है इधर, एकदम बोले तो झक्कास। ये है सीएलडब्ल्यू का गेट स्टार्ट हो रहा है, ये और एक गेट है, मतलब चलिए मैं तो दिखाता हूं। ये है जनरल स्टोर, ये है जनरल स्टोर, ये है सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्कशॉप प्लांट वर्क, ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क प्रोग्राम प्लांट वर्क। चलिए जगह ना एकदम मस्त है, मतलब इसका जो, मतलब मैं क्या बोलूं, इधर
कभी भी बाइक लेके आओ, चाहे साइकिल पे आओ, चाहे पैदल घूमो, एकदम मस्त जगह है। उतना टेम्परेचर नहीं रहता, ठीक है ना, इतना हरियाली है, टेम्परेचर बहुत कम है इधर, बहुत कम टेम्परेचर इधर। अरे ये केंद्रीय विद्युत गृह, लेकिन मैं इधर रोक नहीं सकता। यह केंद्रीय विद्युत गृह है, सेंट्रल पावर हाउस है, ये सेंट्रल पावर हाउस है। वो रहा पंडल सिंह पार्क, ठीक है ना, वो रहा पंडल सिंह पार्क, मैं उधर जाऊंगा, बस 10 मिनट के अंदर मैं उधर जाऊंगा, उधर से ही लूंगा, ठीक है ना। मैं रुक के मैं नहीं दिखा रहा, मैं एकदम जस्ट जैसे मोटर ब्लॉगिंग होता है ना, मोटर ब्लॉगिंग जैसा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये एकदम मस्त है, मतलब पैदल आओ, चाहे बाइक पे आओ, ठीक है ना, चाहे फोर व्हीलर पे आओ, एकदम मस्त है। कभी आपको इधर मतलब बोरिंग जैसा फील नहीं होगा। कभी आप लोगों को बोरिंग जैसा फील नहीं लगेगा। और ये है एंट्रेंस CLW का, जहां से मैक्सिमम एम्प्लॉय अंदर जाते हैं। सॉरी मुझे, ओहो, यहाँ पर नो फोटोग्राफी है भाई, नो फोटोग्राफी जोन, दिखाने का कोई मतलब नहीं है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने नहीं लिखा है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पर लिखा है नो फोटोग्राफी जोन, यहाँ पर लिखा है नो फोटोग्राफी जोन, मैंने क्या बोला, नो फोटोग्राफी जोन बड़ा बड़ा करके लिखा है, कौन रिस्क लेगा भाई। मैंने सोचा छोड़ दो, ये है CLW, लेकिन क्या अगर एंट्रेंस में लिखा है नो फोटोग्राफी जोन, मैंने नहीं लिखा, छोड़ दो। No photography zone, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नो फोटोग्राफी जोन, ये दिमाग में डाल लो, मैं रिस्क नहीं लूंगा भाई। CLW पूरा एरिया CLW का है, ठीक है ना, ये पूरा एरिया CLW का है, बस खत्म। एकदम थ्रिलिंग जैसा फील आ रहा है, थ्रिलिंग एकदम पूरा थ्रिलिंग जैसा मुझे फील आ रहा है। यहाँ से चले जाएगा लेफ्ट, ठीक है ना, ये जो रोड है एकदम लेफ्ट आपको लेके चलेगा पंडन सिंह पर। सच में ना, मतलब मैं दिल से बोल रहा हूँ, एकदम थ्रिलिंग जैसा फील आ रहा है मुझे यहाँ पर, एकदम थ्रिलिंग। मैं यहाँ से 100, 200, 300, 400 किलोमीटर स्पीड पे भगा दूंगा अगर मेरे पास ICC का बाइक रहेगा। सच में एकदम थ्रिलिंग जैसा मुझे फील आ रहा है। तो ये रहा कोनन सिंह पार्क आ गया, थोड़ा स्लो करते हैं, थोड़ा स्लो। हाँ ये है कॉर्नल सिंह पार्क। वो चलिए थोड़ा नीचे जाते हैं, आप मेरे साथ चलिए ना, लेकिन वीडियो में, साथ में नहीं। एकदम मतलब दिल से बोल रहा हूँ, एकदम दिल से, दिल छुके बोल रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे दिखाने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखाने में। ये पहले ऐसा इधर नहीं था, इसमें रंग किया गया, पहले ये सब मतलब नॉर्मल था, अब इसको सफेद किया गया।
मस्त जगह है एकदम, देख रहे कितना सुंदर लग रहा है ये एकदम, मतलब दिल से बोल रहा हूँ ना, हाथ दिल छूके बोल रहा हूँ। ओहो यहाँ पर बहुत मछली वगैरह मिलता है, फिश वगैरह मिलता है इधर। मैंने गलती कर दिया, मैंने क्या गलती किया, मैंने आज स्टिक लाना भूल गया, अगर स्टिक लाना तो अच्छा होता। तो वो जो है ना उधर पहले मतलब एक शेड जैसा था, शेड को हटा दिया अभी पहले, उधर ऊपर देख रहे ऊपर ऊपर एक शेड था, शेड को हटा दिया। इधर दुर्गा पूजा का विसर्जन वगैरह सब कुछ होता है, इधर दुर्गा पूजा का विसर्जन इधर ही होता है पूरा चित्तरंजन में। जगह एकदम मस्त है, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। और वो जो उधर एक शेड था, शेड को हटा दिया पहले, अभी शेड नहीं था उधर, आप बैठ के देख सकते थे। 5 साल बाद आ रहा, बहुत कुछ चेंज हुआ है इधर तो। ठीक है ये रात में जल्दी, अरे यार मैं अभी गिरने वाला था, ये रात में जल्दी है। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बने रहा मेरा। लेकिन इधर सब कोई कुछ काम वगैरह करने के लिए आता है, शायद 5 सेक्शन है, सॉरी सॉरी ये 5 सेक्शन है, ये सीएलडब्ल्यू का 5 सेक्शन है, ये सीएलडब्ल्यू का 5 सेक्शन है। आप यहाँ से पास विड्रॉ कर सकते हो, अगर रेलवे में कहाँ जाना है, आप थर्ड एसी में, सेकंड एसी में, आप स्लीपर में भी जहाँ पे जा सकते हो, तो वो यहाँ से आप पास वगैरह विड्रॉ कर सकते हो। मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैं आप लोगों को दूर से दिखा दूंगा। ये है सीएलडब्ल्यू का 5 सेक्शन। यहाँ पर एक एसबीआई बैंक भी है, यहाँ पर एक एसबीआई बैंक है। यह 5 सेक्शन उधर उधर एक गेट है ना, उस गेट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। उधर एक गेट है, उधर है ना, उधर उधर एक गेट है, वो गेट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। ये जो गेट सामने है ना मेरा एकदम सीधा हाथ बराबर, उस गेट के अंदर, गेट के अंदर जाना, प्रोकोमोटिव वॉक्स। चलो फ्रेंड आप लोगों ने देख लिया, मैं अंदर नहीं जाऊंगा तो आरपीएफ रोक लेगा मुझे। तो इसके आगे मैं नहीं जा सकता भाई, इसके आगे जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं अभी चित्तरंजन को छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, आई लीव माई चित्तरंजन। तो बाय बाय चित्तरंजन, फिर कभी मिलते हैं। तो ये रहा चित्तरंजन, मैं अभी चित्तरंजन को मैं छोड़ रहा हूँ। इधर मैं स्लो नहीं हो सकता, क्योंकि इधर अगर स्लो हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा अच्छा वीडियो आएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना, तब तक के लिए